आइए दोस्तों, देखिए हम लोग किला घूम लिए। अब जिस तरह का क्षेत्र है यहाँ पे, पहाड़ी एरिया, यहाँ पे देखा गया कि खाने पीने का बहुत ही समस्या हो रहा था, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक पहाड़ी भोजनालय फैमिली रेस्टोरेंट यहाँ पे खोला गया है। तो आप लोग अगर आएँ तो ये चीज़ आपको यहाँ पे जानकारी दे दे रहे हैं कि खाने पीने का बिल्कुल टेंशन ना लें। यहाँ पे यदि साफ साफ भाषा में 24 घंटा आपकी सेवा में हाजिर रहता है। यहाँ पे वेज नॉन वेज हर तरह के भोजन उपलब्ध है, और यहाँ पे बहुत ही मतलब साफ सुथरे तरीका का ये रेस्टोरेंट है, और बहुत ही उचित दामों पे यहाँ पे खिलाया पिलाया जाता है। तो अगर आप आए तो वहाँ घर पे ही वो टेंशन छोड़ दें कि हम लोग को वहाँ जाने के बाद क्या खाएंगे, क्या पियेंगे, कितना हम बोरी में लेके जाएंगे, झोला में टांग के जाएंगे खाने पीने का सामान। तो यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल ये टेंशन आपको नहीं लेना है। यहाँ पे बहुत ही सुविधाजनक हर एक तरह का हर चीज़ यहाँ पे, बिसलेरी बॉटल से लेकर हर एक चीज़ मतलब देख लीजिए, किसी चीज़ का यहाँ पे आपको कमी महसूस नहीं है। अब इस रेस्टोरेंट का खाने पीने की सामग्री का आपको मैं लिस्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ऊपर में देखिए वेज है और नीचे नॉन वेज है, तो उसके हिसाब से आपको उसमें स्किन पे साफ साफ दिखता होगा। और सबसे यहाँ पे आकर खाने का सबसे मेन महत्व मतलब जो खास मिठाई होता है वो देखिए वहाँ पर, महुआ का लड्डू। महुआ का लड्डू एक ऐसा यहाँ पर मिठाई है कि अगर आप यहाँ पे आकर महुआ का लड्डू नहीं खाए तो समझिए इस रेस्टोरेंट का मजा नहीं है। तो यहाँ पे सबसे खास जैसे कि जिस तरह का है पहाड़ी रेस्टोरेंट, उसी तरह यहाँ का खास मिठाई महुआ का लड्डू है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये फिलहाल करंट लिस्ट है, ये जो है वेज का और ये नॉन वेज का। तो आपको जैसे कि मैंने वीडियो में बताया कि खाने पीने का भी कोई टेंशन नहीं है, रहने का भी कोई टेंशन नहीं है, तो उस तरह उसी हिसाब से मिला जुला कर आप बिल्कुल देख लीजिएगा। धन्यवाद। आने के बाद आपको रहने का भी हाँ, ये देखिए उनके साथ ये जो रेस्टोरेंट जिनका है वो यहाँ के आप ऑनर हैं सर की कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता ये देखिए ये जो हम लोग को ले जा रहे हैं कार्यकर्ता हैं। आपको अभी से कुछ दिन बाद बिल्कुल ही परिवर्तन ये मिलेगा। ये सामने देखिए, सामने जो बाउंड्री लगाया गया है यहाँ पे कुछ दिन बाद फुलवारी वगैरह का खूबसूरत यहाँ पर मिलेगा देखने के लिए, बहुत ही खूबसूरत है। हालांकि देखिए आपको मिट्टी का ही ये घर है, यहाँ देखिए बिल्कुल मिट्टी का ही घर, लेकिन किसी शहर के घरों से कम नहीं। ये देखिए ये जो है हमारा बिल्कुल एल्युमिनियम जो उस तरह का दरवाजा खिड़की फैशनेबल जैसा, इसी तरह का जो जो पक्के का घर होता है बहुत ही गर्मी के मौसम में थोड़ा गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, लेकिन ये जो मिट्टी का घर है बिल्कुल आरामदायक होगा। ये देखिए यहाँ शौचालय का व्यवस्था है, यहाँ रूम है रहने वगैरह का। ये देखिए बिल्कुल ऐसे रूम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कुछ नहीं था। देखिए तो ये देखिए अंदर आइए, बिल्कुल अंदर आइए। और ये देखिए जो हमने बात आपको बोला था कि मिट्टी के घरों में, ये देखिए आप बिल्कुल सही सलामत है नजारा देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको शुद्ध वाटर बिल्कुल बिस्लरी का सील वाटर यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। अंदर ही हाथ धोने का व्यवस्था है। ये देखिए सिंगल बेड का है, बहुत ही आरामदायक एक चीज दिया गया है, एक ओढ़ने का बिस्तर है कंबल, और एक गद्दा दिया गया, एक चौकी है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक का पूरा व्यवस्था है यहाँ पे। और ये ऊपर में ये देखिए थर्माकोल फाइबर का बिल्कुल फॉल्स सीलिंग किया गया है, जिससे कि हीट कंट्रोल रहता है, बिल्कुल मतलब ठंडा महसूस होगा इसमें। और यहाँ पे देखिए एक टेबल भी है जिससे आप कुछ अपना कार्य का वो कर सकते हैं, जैसे कि कुछ लैपटॉप मोबाइल, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फैमिली भी लेकर आप रह सकते हैं, घूम सकते हैं। ये देखिए जमीन को देखिए कितना साफ सुथरा बिल्कुल है। तो उसके लिए आप जब किला पे आए तो इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाए कि वहाँ पे जाएंगे तो रात हो जाएगा तो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पियेंगे, तो यहाँ पे सारा सुविधा दिया हुआ है। और भी एक चीज़ हर एक चीज़ से करा जाए आपको, मतलब कि उससे रहिएगा कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा आपको। जब भी आप आइए बिल्कुल बेफिक्र आइए, बेझिझक आइए, और हमारे रोहतास की धरती के चैनल के माध्यम से बिल्कुल यहाँ देखिए महिला इधर ये देखिए इधर देखिए ये महिला टॉयलेट अलग है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे पूरा महिला टॉयलेट ये अलग है, बाथरूम अलग है। और इधर में देखिए ये पुरुष है, ये देखिए
इधर में देखिए, ये बिल्कुल पुरुष टॉयलेट इधर में है, इधर में, और बिल्कुल नहाने धोने के लिए देखिए झरना सिस्टम, क्या बात है। यहाँ पे देखिए जरा, ये यहाँ पे जिस तरह का ही देखिए, मैं झरना आपको चालू करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए बिल्कुल झरना आपके सामने चालू हो गया है, मतलब किसी तरह का आपको कमी महसूस नहीं होगी। ये देखिए झरना सिस्टम भी है नहाने धोने के पुरुष के लिए, ये देखिए बिल्कुल, मतलब आप कहीं फाइव स्टार होटल में जाए बट इसे खूबसूरती तो मिल जाएगी लेकिन इसे आरामदायक चीज आपको नहीं मिलेगी। तो ये सारा चीज यहाँ पे बना दिया गया है, ये देखते हुए मतलब कि आपको बिल्कुल अंधकार में नहीं रखा जाएगा कि आप आए तो आपसे बेस्ट फिजूल का खर्च पैसा लिया जाए, और बिल्कुल ये सही उचित दामों पर यहाँ पे इस तरह का है, और समय के अनुसार यहाँ का रेट जो है वो उतार चढ़ाव होते रहता है। बट मैं एक कार्य करता हूँ, इनसे एक नॉर्मल बेसिक में रेट जान लेना चाहता हूँ। तो चेता जी आप बताइए, एक दिन का अगर मैं रूम लेता हूँ, एक दिन का एक रूम का क्या पड़ेगा हमको अभी के फिलहाल में? 400 का रेट पड़ेगा। 400 रुपया एक, मतलब 24 घंटे के लिए पड़ेगा, एक दिन के लिए ना? रात भर से रुकते हैं। हाँ, रात भर के लिए। हाँ, ये दो रूम है उसका 300 पड़ेगा, इसे छोटा है। अच्छा, इसे ये छोटा रूम है ऊपर से। वो जो मैं आपको देखिए, हमारे यूट्यूबर जो भी हमारे चैनल का सब्सक्राइबर है, वो जो मैंने आपको दिखाया था कि देखिए एल्युमिनियम का विंडो खिड़की सब लगा हुआ है, वो 1500 रुपये रेट है। तो उसमें 1500 वाला रूम में एक बार मैं नॉर्मल रूम आपको दिखा चुका हूँ जिसका भाड़ा है 400, और उसका लेटरिन बाथरूम मैंने आपको दिखा दिया, और उसके बाद 300 का ये दो रूम है, जैसे इधर में जो तीन रूम है, जो छोटा रूम बनाया मैंने, हर तरह का इस लाइन का बड़ा रूम है चाचा जी ना, देखिए इस लाइन का 400 रुपये रेट है, इस लाइन का 300 रुपये रेट है, दोनों में क्या बाकी है सब, और बाकी तो मैं 300 का भी रुपया का रेट है और 400 का भी है, और मैं आपको जो 1500 रुपया रेट है वो रूम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे नाइट में गार्ड का ये रूम है, यहाँ पे 2 से 3 गार्ड रहते हैं, यहाँ पे रात में रहते हैं वो, पूरा मतलब ये एरिया का लेफ्ट मारते रहते हैं अपने टॉर्च बत्ती के साथ, इसके साथ। अब आपको जो हाई फाई फैसिलिटीज रूम है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसका किराया 1500 है, वो रूम देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए कितना शुद्धतापूर्वक, बिल्कुल पहले जैसा, ये देखिए कुल्हड़ में यहाँ पे चाय मिलता है, डिस्पोजल तो एक अलग चीज़ हो गया, प्लास्टिक की चीज़ें उससे हमको साइड इफेक्ट भी हो सकता है, बट ये देखिए यहाँ का चाय वगैरह भी है जो कुल्हड़ में दिया जाता है, खाने पीने का भी प्रबंध है, आप कहिएगा तो बर्तन में मिलेगा या तो जो पत्तल होता है पत्ते का उस तरह का भी मिलेगा। तो यहाँ का हर एक चीज़ दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ का आइए दोस्तों देखिए 1500 का रूम जो है उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। 1500 का रूम, ये रूम नहीं है, ये बरामदा है, ये बरामदा है, हॉल है, इसके होते हुए मैं आगे जाता हूँ। आइए आप इधर ये देखिए, एक हॉल होते हुए ये देखिए आपको 1500 रूम का जो है, डाइनिंग हॉल होते बरंडा होते हुए यहाँ पे आ गए, ये देखिए ये है रूम, अभी लाइट नहीं है बट जब हमारे इसमें आ जाते हैं रूम रेंटर तो हम जनरेटर की बिजली का सुविधा यहाँ पे रखे हैं, तो जनरेटर से अपना बिजली आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि लाइट कट गया तो अंधेरा हो जाएगा। अब ये देखिए पर्सनल, अब इस रूम में क्या है ये देखिए, यहाँ पे पर्सनल जो है इस तरह का बाथरूम है, और यहाँ पे इस रूम में इसलिए रेंट इतना ज़्यादा लिया जा रहा है, यहाँ पे देखिए यूरोपियन बाथरूम का भी सुविधा है अंदर में, और इधर देखिए ये जो डबल बेड है, बिल्कुल गद्दा और पलंग जिसे बोलते हैं हम लोग, दीवान बोल सकते, दीवान टाइप का, मतलब दीवान तो नहीं है लेकिन पलंग है, तो ये गद्दा वगैरह लगा हुआ है, तो ये
फैसिलिटीज है, और यहाँ पे एक टेबल है, और बाकी ये पर्सनल यहाँ पे सब कुछ कर दिया गया है। एक नॉर्मल जो टॉयलेट होता है वो है, और बाथरूम अटैच बाथरूम है इसमें, तो इसमें भी उसी तरह जस्ट झरना लगा हुआ है जैसा हम लोग वहाँ पे आपको बताए थे। तो इस तरह का है सिस्टम इस रूम का, वही 1500 रुपये है। और बाकी हम लोग अब यहाँ से चलते हैं, गार्ड रहेंगे तो गार्ड के रहने के लिए है, और उनके लिए लाइट नहीं है, और विधायक है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, अब वो जो रूम हुआ, और भी किसी तरह का बड़ा कोई मीटिंग वगैरह होना चाहे, चाहे और भी किसी तरह का मुख्यमंत्री आता हो या कोई ऊपर लेवल का कोई आदमी आता हो, तो उसके लिए मीटिंग वगैरह के लिए कोई बात विचार करना हो, मीटिंग करना हो, किसी चीज पे बात विचार करना हो, तो उसके लिए नाइट में मीटिंग कर सकते हैं, दिन में भी मीटिंग कर सकते हैं, और भी अंडर मेंटेनेंस काम चल रहा है, ये फुल फिल मतलब 80% मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, बट 20% में ये जोरों शोर से काम चल रही है, जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। और इसको बिल्कुल ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लेबर है, ये बिल्कुल आपको कवर हो जाएगा फोर सीलिंग से, जैसे कि आप इस सीलिंग में देखते हैं, जैसे कि 400 में ऊपर जो है किया गया है, हीट न पहुंचे, उसके हिसाब से ये सब चीज यहाँ पे बनाया है यहाँ पे। हाँ चला जाए, ठीक है, इतना काफी है। राज बलि सिंह